दुनिया के कई देशों को जोड़ने के लक्ष्य वाले चीन के वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट में रुकावट आ सकती है। देश के भीतर ही कई तरह की समस्याओं का सामना करने के कारण इसकी फंडिंग में दिक्कत हो सकती है। चीन कर्ज बढ़ने, बैंकिंग सिस्टम में कमियों, पूंजी स्कीमों और घाटे वाली कंपनियों की संख्या बढ़ने जैसी समस्याओं से जूझ रहा है। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट में कहा है कि रेटिंग एजेंसी मूडीज के चीन की सॉवरेन डेट रेटिंग डाउनग्रेड करने के फैसले से OBOR प्रोजेक्ट को रोका जा सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि OBOR का भविष्य इस बात पर निर्भर करेगा कि मोदीज की ओर से जताई गई आशंका से निपटने के लिए चीन क्या करता है। इसके साथ ही चीन को उन कमजोर देशों के साथ समझौते के बारे में सोचना होगा जिनमें OBOR के तहत इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनाए जाने हैं। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चीन अपने देश में बढ़ती बेरोजगारी दर से लेकर बैंकिंग सेक्टर से जुड़े बहुत से आंकड़ों में गड़बड़ी कर रहा है। पिछले वर्ष एक ऑनलाइन फाइनेंस कंपनी की ओर से चलाई जा रही एक बड़ी पोंजी स्कीम में छोटे निवेशकों ने 6.7 अरब डॉलर से अधिक की रकम कमाई थी। इसके अलावा चीन में बिना बीमा वाले वेल्थ मैनेजमेंट इंस्ट्रूमेंट्स और घाटे में चल रही कंपनियों की भी बड़ी संख्या है। इन समस्याओं के कारण चीन का OBOR प्रोजेक्ट पटरी से उतर सकता है। अमेरिका के नेशनल ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च NBER ने दावे के साथ कहा है कि चीन में वास्तविक बेरोजगारी दर आधिकारिक दर से कहीं अधिक है। NBER के मुताबिक 2002-09 के दौरान चीन में वास्तविक बेरोजगारी दर औसत लगभग 11% थी, जबकि चीन की ओर से पेश की गई आधिकारिक दर इसके आधे से भी कम थी। OBOR प्रोजेक्ट का लागत 124 अरब डॉलर है। इसके तहत दक्षिण एशिया, मध्य एशिया, पश्चिम एशिया, अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका में पोर्ट, रेलवे प्रोजेक्ट, एयरपोर्ट और पावर प्लांट बनाने की योजना है। इन प्रोजेक्ट्स के लिए चीन के मानव संसाधन और चीन के हिलों का इस्तेमाल किया जाना है।